हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वायरस और एंटीवायरस के बारे में। फ्रेंड्स, वायरस होता क्या है? वायरस हमारी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कोडिंग होती है जो हमारे सिस्टम में प्रोग्राम को डिसऑर्डर कर देता है, तो इसी को सही करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, जिससे ये वायरस हमारे सिस्टम में एंटर न करे। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें डाटा को नष्ट करने के लिए वायरस की ज़रूरत पड़ती है। वायरस हम लोग एक्चुअल डाटा में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे वो डाटा नष्ट हो जाता है। आजकल हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सभी में जो है, समटाइम्स आप देखते हैं कि वायरस आ जाता है, जिससे हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी जो है हैंग करने लगते हैं और डाटा भी एरेज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा और जानकारी के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे या पूर्णतः रोक सकता है। कुछ वायरस कंप्यूटर के बूटिंग से स्वयं को जोड़ सकते हैं तथा जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है उतना ही फैलता जाता है। यह कंप्यूटर के डाटा या प्रोग्राम को क्षति पहुंचाता है, डाटा को नुकसान पहुंचाता है। हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का सामान्य कारण इंटरनेट एंड अनवांटेड ईमेल्स हैं। जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वायरस हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल में चले आते हैं। तो वायरस को नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। इसमें ऑटो प्रोटेक्ट तथा रियल टाइम प्रोटेक्शन की सुविधा रहती है, जो इंटरनेट से किसी फाइल का उपयोग करने से पहले उसे जांच लेता है कि वायरस मुक्त है या नहीं। ये पहले पता लगाता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। अगर फिर भी वायरस सिस्टम में सक्रिय हो जाता है तो हमें पॉपअप विंडो के साथ सूचित कर देता है, जिनको हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैन चलाकर हटा सकते हैं। कुछ समय के अंतराल पर फुल सिस्टम स्कैन चलाकर वायरस मुक्त रखने के लिए सक्षम हो सकते हैं। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। सी ब्रेन एक वायरस का नाम है जो सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर में दिखा था। इस प्रकार से हम लोग वायरस को अपने सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर इसको जो है एंटीवायरस को एक्टिवेट करके कंप्यूटर में आने वाले वायरस को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।